मेहतपुर तहसील घोसला में बीते 15 दिनों में नगर में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मजेदार बात तो यह है कि अधिकतर जगहों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात घोसला पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दरवाजा खटखटाने की सूचना मिली, जिस पर दोनों पुलिस कर्मियों ने सर्चिंग चालू की, जिसमें नरेंद्र सिंह और पुलिस कर्मी भूपेंद्र सिंह भदौरिया शामिल थे। इस दौरान चार लोगों और पुलिस कर्मियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें चोरों ने जमकर पत्थरबाजी की। अंधेरा होने की वजह से सभी चोर बड़ी पुलिया से नीचे के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी से घोसला नगर में तो कई बड़ी घटनाएं होने से बच गई, मगर घोसला में 2-2.5 किलोमीटर दूर सुबह करीब 4:30 पर पेट्रोल पंप पर खड़ी एको कार को चोर चुरा कर ले गए। मजेदार बात तो यह है कि वहां भी सीसीटीवी फुटेज में चोर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरों में पुलिस का कोई भय नजर नहीं आ रहा है, जिससे जनता में भय का माहौल पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात को पुलिस नहीं आती तो बड़ी घटना घट जाती। घोसला में पुलिस ने उनको खदेड़ा, तो वहाँ से पीछा करते हुए वो शहर के बाहर भाग गए अंधेरे में। कस्बे वालों ने पीछा किया, पुलिस ने काफ़ी ढूंढा, ये 800 बदमाश मिले, लेकिन संभवतः उन्हीं बदमाशों ने एक कार घोसला से 3 किलोमीटर दूर पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी शंभू सिंह जी की एक स्पोर्ट, वो उसका लॉक तोड़ के गाड़ी को ले आने से। सर, ये जो घटना घटी और कहाँ कहाँ स्थल पर घटी है? हाँ, ये पेट्रोल पंप सवरिया पेट्रोल पंप पे एक स्पोर्ट से यहाँ ले गए हैं, और ये घोसला में जो है नरेंद्र सोनी की दुकान के आसपास चोटें दिखा गई पुलिस को, तो जैसे पुलिस ने उनका संदेह होने पर उनको ललकारा, उनका पीछा किया, तो वो भागे। वो अपने बचाव में मतलब बदमाशों बचाव के लिए पुलिस को रोकने की कोशिश किया, तो पुलिस ने काफ़ी पीछा किया, लेकिन वो भाग में सफल हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए महितपुर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट।